नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद एवं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाइब्रेरी साइंस के MCQ 25 और यह आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे UGC नेट, KVS, NVS, लाइब्रेरी टेस्ट आदि में काम आएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकन नोटिफिकेशन विधि कितने प्रकार की होती है? अंकन नोटिफिकेशन विधि दो प्रकार की होती है। सेकंड क्वेश्चन है, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग हुआ है? राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ है, प्योर नोटेशन। थर्ड क्वेश्चन है, अंकन को आशुलिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया? अंकन को आशुलिपि चिन्ह के रूप में E.C. रिचर्डसन ने परिभाषित किया। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? कॉमन आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निमोनिक शब्द किस भाषा से निकला है? निमोनिक शब्द ग्रीक भाषा से निकला है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अपूपा पैटर्न APUPA पैटर्न क्या काम आता है? अपूपा पैटर्न पुस्तकालय वर्गीकरण में पुस्तकों को अरेंजमेंट करने का तरीका है। सेवन्थ क्वेश्चन है, कई पुस्तकालयों की मिश्रित सूची को क्या कहते हैं? कई पुस्तकालयों की मिश्रित सूची को संघ सूची यूनियन कैटलॉग कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, पुस्तकालय सूची के उद्देश्यपूर्ण स्पष्टता से किसने बनाए हैं? यह पुस्तकालय सूची के उद्देश्यपूर्ण स्पष्टता से CA कटर ने बनाए हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्रोत पर सूचीकरण कैटलॉगिंग इन सोर्स का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? इसका सूत्रपात लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया। टेंथ क्वेश्चन है, स्रोत पर सूचीकरण कैटलॉगिंग इन सोर्स का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? यह हुआ है 1958 में, 1958 में। ग्यारहवा क्वेश्चन है, अलेवेंथ, पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन CA कटर ने कौन सी पुस्तक में किया है? इसका वर्णन रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग में CA कटर द्वारा किया गया है। बारहवा क्वेश्चन है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड कब अस्तित्व में आया? ब्रिटिश म्यूजियम कोड 1841 में अस्तित्व में आया। थर्टींथ क्वेश्चन है, 91 कैटलॉगिंग रूल्स किसके द्वारा लिखा गया? 91 कैटलॉग रूल्स एंटोनी पेनेजी द्वारा लिखा गया। फोर्टींथ क्वेश्चन है, AACR1 का प्रकाशन कब हुआ? AACR1 का फर्स्ट का प्रकाशन 1967 में हुआ। पंद्रहवा क्वेश्चन है, AACR फर्स्ट का रिप्रिंट एडिशन कब आया? AACR फर्स्ट का रिप्रिंट एडिशन 1970 में आया, 1970। सिक्सटींथ क्वेश्चन है, AACR फर्स्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? AACR फर्स्ट पेरिस सिद्धांत पर आधारित है। सेवनटींथ क्वेश्चन है, AACR कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ है? AACR दो संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। एटींथ क्वेश्चन है, AACR कौन कौन से संस्करणों में प्रकाशित हुआ है? AACR दो संस्करणों में प्रकाशित हुआ है, यह है अमेरिकन टेक्स्ट और ब्रिटिश टेक्स्ट। नाइनटींथ क्वेश्चन है, ISBD का विकास कब किया गया? ISBD का विकास 1969 में किया गया। बीसवां क्वेश्चन है, ISBD का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ISBD का प्रकाशन IFLA द्वारा किया जाता है। इक्कीसवां क्वेश्चन है, AACR2 का प्रकाशन कब किया गया? AACR2 का प्रकाशन 1978 में किया गया। बाईसवां क्वेश्चन है, प्रीनेटल क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? प्रीनेटल क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया। 23rd क्वेश्चन है, ALA रूल्स फॉर फिलिंग कैटलॉगिंग कार्ड्स का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? यह प्रकाशित हुआ है 1942 में। 24th क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैट किस प्रकार की सूची है? वर्ल्ड कैट संघ सूची है। 25वां क्वेश्चन है, बिब्लियोथेक नेशनल कैटलॉग का प्रथम सेट कब प्रकाशित किया गया? यह किया गया 1857। 26वां क्वेश्चन है, व्यापारिक सूचियां
ट्रेड कैटलॉगिंग का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? यह किया जाता है पुस्तक चयन के लिए। 27वां क्वेश्चन है, डिक्शनरी कैटलॉग किस प्रकार के पुस्तकालय में सर्वाधिक उपयोगी है? यह उपयोगी है सार्वजनिक पुस्तकालय में। 28वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का व्यापारिक नाम दृश्य अनुक्रमणी विजिबल इंडेक्स है? यह कार्डेक्स। 29th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कैटलॉगिंग त्रैमासिक बुलेटिन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह प्रकाशित किया जाता है इफ्ला के द्वारा। 30वां क्वेश्चन है, सूचीकरण के नियम सबसे पहले किसने बनाए? सूचीकरण के नियम सबसे पहले चार्ल्स एमिकटर ने बनाए। दोस्तों, यह था आज का 25वां MCQ लाइब्रेरी साइंस का। उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।